हाँ तो जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल, आप सभी का स्वागत है संविधान की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस क्लास में। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अध्यादेश अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की जो अधिकतम समय सीमा होती है वो 6 महीने होती है। अब देखिए दोस्तों, अध्यादेश जारी कब किया जाता है? अगर हम किसी भी प्रकार का कानून के विधि का निर्माण करते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की आवश्यकता रहती है। राष्ट्रपति का पद एक दिन भी रिक्त नहीं रह सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग भी नहीं किया जा सकता और समाप्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बीच में आ गया लोकसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, भंग भी हो सकता है, स्थगित भी हो सकता है। अगर लोकसभा भंग है, स्थगित है, यानी सदन के अंदर नहीं है, तो उस समय अगर किसी विधि की आवश्यकता पड़ी तो वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 माह होती है। 6 महीने तक राज्यसभा के अनुमोदन पर इसे लागू किया जा सकता है। जैसे 6 महीने के बाद नवनिर्मित लोकसभा बनती है तो इसे प्रथम 6 सप्ताह में क्या करना होता है? पारित करना होता है। अगर प्रथम 6 सप्ताह में लोकसभा इसे पारित नहीं करती है तो यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर लोकसभा इसे प्रथम 6 सप्ताह में पारित कर देती है तो यह स्थायी कानून के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो यहां पे निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आइए दोस्तों देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833। नहीं दोस्तों, इस दौरान ऐसी कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के वायस राय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? यानी देखिए दोस्तों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस दौरान गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया था आपने। उस 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद में से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें से सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। तो ये जो कार्यकारिणी परिषद बनी हुई थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, तो गवर्नर जनरल को ये अधिकार कब दिया गया कि वो कार्यकारिणी परिषद के किसी भी फैसले को निरस्त कर सकता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस दौरान ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया था जिसमें टोटल 4 सदस्य थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कार्यकारिणी परिषद में कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार दिया गया कि वो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के किसी भी फैसले को निरस्त कर सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर, ये दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिलाकर
कुल कितने सदस्य शामिल थे? जो प्रारूप समिति थी उसमें अध्यक्ष सहित टोटल कितने सदस्य थे, अध्यक्ष को उसके अंदर शामिल करना है। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए में 5, बी में 6 और सी में 7। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 7 थी। आइए दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे पास थी प्रारूप समिति या प्रारूप समिति को आप मसौदा समिति भी बोल सकते हैं, मसौदा समिति, या इसे पांडुलिपि समिति भी बोला जा सकता है। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अभी हमने देखा कि प्रारूप समिति के अंदर टोटल जो सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर वो कितने थे? 7 थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर ये तो दोस्तों प्रारूप समिति का क्या था? अध्यक्ष था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक इसका सदस्य था के एम मुंशी, एक दोस्तों इसमें था टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी ने डीपी खेतान का स्थान लिया था। डीपी खेतान के स्थान पे कौन आया था? कृष्णमाचारी। एक इसमें था माधव राव, इसने बीएल मित्र का स्थान लिया था। एक मोहम्मद सादुला, एक था दोस्तों कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर, सॉरी दोस्तों कृष्ण स्वामी अय्यर था। एक था गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमें क्वेश्चन पूछा गया था। प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य के एम मुंशी, टीटी कृष्णमाचारी, माधव राव, मोहम्मद सादुला, कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर। गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक, तो दोस्तों प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 30 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति की कुल बैठकें, तो दोस्तों प्रारूप समिति की जो कुल बैठकें हुई थी वो कितनी हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। और कितने प्रारूप पेश किए गए थे दोस्तों? 3 प्रारूप पेश किए गए थे। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। उसके बाद 2 प्रारूप और पेश किए गए थे। तो पहली बार प्रारूप जो पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था? 21 फरवरी 1948 को। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन आयोग के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो हमारी संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो किसके आधार पे किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पे किया गया था। कैबिनेट मिशन को भेजने वाला जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो था क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 22 जनवरी 1946 को और कैबिनेट भारत में पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के आधार पर हमने किसका निर्माण किया था दोस्तों? संविधान सभा का निर्माण किया था।
देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए में है 389। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे, 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। उसके बाद अगर बात करें भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी शेष रही थी, 324 शेष रही थी, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था, यानी भारत का विभाजन हो चुका था। विभाजन होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी शेष रही थी, 324। फिर दोस्तों क्या हुआ कि इस साइड में तो एक आपका राज्य था पंजाब और इस साइड में एक आपका राज्य था बंगाल। इन दो प्रांतों में अक्टूबर 1947 में पुनः चुनाव करवाए गए, तो सदस्यों की संख्या कितनी शेष रही थी आपके पास, 299 सदस्य शेष रहे थे। ऑप्शन डी में है 284। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या की अगर बात की जाए तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन आयोग के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इसका सही आंसर होगा 389। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च किसे माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद व धर्म। तो दोस्तों हमारे भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च कौन किसे माना गया है? संविधान को माना गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रथम अनुसूची कौन सी है जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, 8 अनुसूची थी। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और क्वेश्चन क्या, संविधान में प्रथम अनुसूची कौन सी है जो संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो इसमें देख लेंगे आप, 8 तक तो लगातार थी, पहले से थी, तो प्रथम वो तो थी पहले से, 9वीं। तो 9वीं अनुसूची इसने क्या पूछा है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगी पहली, तो पहली जुड़ने वाली जो अनुसूची थी वो 9वीं थी, प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध, तो 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है, भूमि अधिकरण से है। भूमि अधिकरण से संबंधित जो आपकी अनुसूची है वो कौन सी है, 9वीं अनुसूची है। मूल अनुसूची में विषय, जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी तो मूल अनुसूची में विषयों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 13 विषय थे। अगर बात करें वर्तमान अनुसूची में, तो वर्तमान अनुसूची में टोटल विषय कितने हैं, 284 हैं। अब इस अनुसूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जितने भी विषय जोड़े गए हैं उन्हें आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो संविधान की प्रथम अनुसूची जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों वो कौन सी है, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए दोस्तों, संघ सूची पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल संसद को होता है। संघ सूची में वर्तमान विषयों की संख्या की बात की जाए तो संघ सूची में वर्तमान में 101 विषय हैं और मूल जो अनुसूची थी, संघ सूची थी, उसमें 97 विषय थे। तो इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए, निम्न में से किसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है? बैंकिंग का है, बीमा का भी संघ सूची में, गैस का भी संघ सूची में, जनगणना का उल्लेख संघ सूची में न होके कौन सी अनुसूची में है, समवर्ती सूची में इसका उल्लेख किया गया है।
आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो विचार की स्वतंत्रता, तो दोस्तों विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, धर्म की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता, दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतर्वर्ग की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, शांतिपूर्वक ढंग से उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, तो इसके अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, तो दोस्तों किसके अधीन नहीं है? स्वास्थ्य के अधीन नहीं है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक इनमें से किसका दावा नहीं कर सकता? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कानून सबके लिए क्या है? एक समान है, इसका दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधीन का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार, इसका भी दावा कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का। तो दोस्तों इसमें सी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का वो क्या नहीं कर सकता? दावा नहीं कर सकता है, इसमें आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए पुरुष व महिला को समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकारों में नहीं दोस्तों, इसका मौलिक अधिकारों में कोई उल्लेख नहीं है, मूल कर्तव्य में नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बिल्कुल सही है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि समान कार्य के लिए महिला व पुरुष को क्या दिया जाना चाहिए? समान वेतन। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां किया गया है? संविधान की उद्देशिका में नहीं, नौवीं अनुसूची में नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो दोस्तों इसका भी उल्लेख कहां पे किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसका उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 51 में। और ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार जो हमारे मूल संविधान में थे ही नहीं, सरदार श्रवण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे, और इस दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इस दौरान पहली बार कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के दौरान अगर बात की जाए तो दोस्तों संविधान में भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों 51 के ए में 50 के, बी में 50 खे, ई में, सी में अनुच्छेद 51 खे, डी में अनुच्छेद
50 के। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम यहां पे ख के स्थान पे कर लेते हैं क। ये मिस प्रिंट है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 51 क है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 51 क होगा। आइए दोस्तों चर्चा करते क्वेश्चन नंबर 14। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किन नाम से जाना गया? अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो इन आचार आदेशों को किस नाम से जाना गया था? मौलिक कर्तव्यों के नाम से। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? क्वेश्चन का दोस्तों मतलब यह है कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी सदस्य, विधान सभाओं के, इनके केवल किस प्रकार के सदस्य भाग ले सकते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तो निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे क्या कहता है? परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। महाभियोग केवल किसके अंदर लाया जाता है? संसद के अंदर महाभियोग लाया जाता है। संसद के अंदर दो सदन है दोस्तों, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। अब ये क्या कहता है कि निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं ये निर्वाचक गण के भाग है लेकिन महाभियोग के दो भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप इसमें से आंसर निकालेंगे, राज्यसभा निर्वाचक गण में है तो किसमें भी है? महाभियोग में भी है। राज्य की विधानसभाएं, तो दोस्तों राज्य की विधानसभाएं निर्वाचक गण में तो हैं लेकिन किसके अंदर शामिल नहीं है? महाभियोग प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य की विधानसभाएं। लोकसभा है निर्वाचन गण में भी है और किसमें भी है? महाभियोग। और राज्य की विधान परिषद ना तो निर्वाचक गण में और ना ही महाभियोग के अंदर है। तो इसका हमारा सही आंसर है राज्य की विधान सभाएं। क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जो अमेरिका की संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 143 होगा। अनुच्छेद 143 में हमें क्या दिया गया है कि देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए क्या नहीं होता? बाध्य नहीं होता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे भी देता है तो राष्ट्रपति भी यह परामर्श मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। अब आज तक की बात करें तो दोस्तों आज तक ये जो परामर्श मांगा गया है कितनी बार मांगा गया है? 15 बार मांगा गया है। पहली बार की अगर बात करें तो दोस्तों पहली बार ये परामर्श कब मांगा गया था? 1951 में मांगा गया था, दिल्ली लॉज केस में। दिल्ली लॉज केस। अंतिम बार की अगर बात करें दोस्तों, ये पहली बार था, 15वीं बार। 15वीं बार ये परामर्श कब लिया गया था? 2012 में लिया गया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो आज तक ये जो आपका परामर्श है सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? सॉरी दोस्तों, हम क्वेश्चन कर रहे थे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो अनुच्छेद 143। तो हम बात कर रहे थे आज तक,
आज तक ये जो परामर्श है राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार लिया गया है? 15 बार लिया गया है। पहली बार की अगर बात करें तो पहली बार राष्ट्रपति ने जो परामर्श लिया था वो कब लिया था? 1951 में लिया था। और मामला क्या था? दिल्ली लोज केस। अगर अंतिम बार की दोस्तों बात करें तो अंतिम बार यानी 15वीं बार, तो 15वीं बार ये जो परामर्श लिया गया था दोस्तों, ये लिया गया 2012 में। 2012 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इसके तहत लिया गया था। अब मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय से हाँ भी कर सकता है और मना भी कर सकता है। 15 बार में से 2 बार आज तक ना में जवाब दिया गया है। पहली बार ना में जवाब दिया गया था 1992 में, और दूसरी बार ना में जवाब दिया गया था 2002 में, और 13 बार जो जवाब है वो किसके अंदर दिया गया है? हाँ के अंदर जवाब दिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से नहीं, अपने निर्वाचन की तारीख से नहीं, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से नहीं, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। हाँ जी हाँ दोस्तों, शपथ ग्रहण करने या पद ग्रहण करने के दिन से अगले 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, ये नहीं रहे, देश के राष्ट्रपति रहे थे 1974 से 77। नीलम सजीव रेड्डी, ये भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं 77 से 82। शंकर दयाल शर्मा, तो ये भी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके 1 और 4। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा दोनों देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यानी अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद में, और ये अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए में है संसद नहीं, मंत्री परिषद। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक से अधिक उप प्रधानमंत्री रहे? पंडित नेहरू नहीं, वीपी सिंह नहीं, चंद्रशेखर नहीं, मोरारजी देसाई के समय कितने उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों? 2 उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो दोस्तों मुनरो के द्वारा कहा गया था कि राज्य की नौका का जो कप्तान है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र, इसमें बात करते हैं कच्छ, तो कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा नहीं, लद्दाख, तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित जो क्षेत्र है वो कौन सा दोस्तों? लद्दाख। केवल 1 लोकसभा सीट आती है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय दोस्तों इसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल नहीं, उच्चतम न्यायालय नहीं, संघीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों लाभ के पद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छा, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।